सो हे फ्रेंड्स, ये है मेरी वो प्यारी सी अलमारी जिसके ऊपर आज मैं कलर्स करूँगी। ये कब से मेरे पास पड़ी हुई है और मुझे ये इतनी प्यारी लगती है ना, मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। इसके सिर्फ छोटे से साइज़ की वजह से ना ये मुझे बहुत क्यूट लगती है। और ये देखें, खोलने के बाद इसमें दो शेल्फ्स हैं और ये इतनी ब्यूटीफुल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, छोटे छोटे बर्तन। और इसका ना एक दरवाज़ा टूटा हुआ है। ये जिस दिन अलमारी आई थी ना, उस दिन ही मेरी छोटी कज़न ने इसको तोड़ दिया। तो इसके ऊपर कलरिंग के साथ साथ ये दरवाज़ा भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो जब तक मैं इस दरवाज़े को जोड़ती हूँ ना, आप लोग जल्दी से एक काम करोगे, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी 5000 की फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पूरे 72 घंटे सोचने के बाद मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी सालों पुरानी क्ले को इस्तेमाल करूँ। इसमें से काफ़ी सारी क्ले तो सूखी हुई है और जो कुछ पैकेट ठीक है ना, वो मैं निकाल लूँगी और उसको हम यूज़ करेंगे। तो इस अलमारी के ऊपर जो लेज़र कटिंग वाला डिज़ाइन है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसको सारा मैंने कवर कर देना है। तो मेरे पास ज़्यादातर जो कलर आया है वो है पर्पल और ब्लू। अब मैं सारे पर्पल और ब्लू वाली क्ले को ना मिक्स कर लूँगी ताकि ढेर सारी क्ले मेरे पास आ जाए। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी इस अलमारी के मेकओवर के लिए। तो अब जल्दी से मैं इसके ऊपर क्ले लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले इसको रोल करके अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रोक्स वगैरह नहीं चाहिए। और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के सोचा, यार मैं इसके ऊपर क्या करूँ। कभी मेरा दिल चाह रहा था मैं बादल बनाऊँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो फाइनली ना मैंने इसको कैंडीलैंड थीम का मेकओवर देने का सोचा। तो अब देखना ये है कि मेरा जो आइडिया है वो किस हद तक कामयाब होता है। तो अब आप देख सकते हैं डोर के फ्रंट पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन है, इसको भी मैं अच्छे से कवर कर दूंगी क्ले के साथ। और जो टूटा हुआ दरवाज़ा है इसको भी अभी हम ठीक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पर्पल वाली क्ले इधर लगा दी है और अब मैं इसके साथ ये क्ले का पीस लगा दूंगी। मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं इसको उतार रही हूँ। एक तो ये क्ले ऑलरेडी ड्राई हुई हुई है और मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसकी शेप चेंज करने का सोच रही हूँ, बिल्कुल क्रीम की तरह, जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है। और आप देख सकते हैं इसमें कितने क्रैक्स आ गए हैं, क्ले लगाते लगाते इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई। तो मैंने तो ये वेस्ट कर दिया है और मैं फिर से कोशिश करूँगी। मैंने यहाँ ज़्यादा सॉफ्ट वाली क्ले ली है। अब मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके मिक्स करूँगी और इसको लंबा सा रोल करके इसके साथ मैं एक प्यारा सा क्रीम का डिज़ाइन बनाऊँगी। इससे देखने में ऐसे लगेगा जैसे ये सचमुच की क्रीम है। मैंने ऐसा मेकओवर पहले कभी किसी चीज़ को नहीं किया, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। अगर आपको ये अच्छी लगेगी ना, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ये देखिए, ऑरेंज वाले की शेप इतनी अच्छी नहीं है और ये क्ले थोड़ी है मेरे पास। और मैं इसके अंदर पिंक वाली क्ले को मिक्स करूँगी और इसको भी लंबा सा रोल कर लेंगे और इसको बिल्कुल क्रीम की तरह शेप कर देंगे ताकि दोनों दरवाज़ों के ऊपर जो लेज़र कटिंग वाला बेकार सा डिज़ाइन है वो बिल्कुल छुप जाए। तो फाइनली ये क्रीम का डिज़ाइन मुझे पसंद आया है। इसके पीछे मैंने हॉट ग्लू लगा दिया और अब मैं इसको अच्छे से अटैच कर दूंगी। क्ले बहुत सॉफ्ट है इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना पड़ेगा। और अब मैं हवा के अंदर ही ना थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाती जाऊंगी। तो ये अलमारी का ज़रा ढांचा रेडी हो गया है जिसके ऊपर मैंने मेकओवर करना है और अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है, क्ले हार्ड हो गई है। और अब आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा मैंने जोड़ने की कोशिश की थी ना, वो कामयाबी से जुड़ चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर जैसो की एक लेयर लगाऊंगी। ये है जैसो जो मैंने ब्लूबर्ड से ऑर्डर किया था, ये आप इंस्टाग्राम से भी मंगवा सकते हैं और दराज से भी। इस तरह थिक सा होता है, इसके अंदर पानी मिक्स करके इसको यूज़ कर लेते हैं। किसी भी चीज़ पर प्राइमर का काम कर और चीज़ों को बिल्कुल वाटरप्रूफ बना देता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, मैंने ना ज़्यादा थिक रखी है ना ज़्यादा पतली। तो अब मैं इस अलमारी के ऊपर अच्छी सी जैसो की एक लेयर लगा दूँगी। अगर जैसो में ज़्यादा पानी डाल के मैं अप्लाई करूँगी तो उससे ये होगा कि जो कार्डबोर्ड की अलमारी है ये गल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पतली है, ये पानी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसीलिए मैंने थिक जैसो की लेयर लगाई। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर लगा दी है ताकि इसका आउटर सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमें कलर करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, बाहर से ड्राई हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर जैसो की एक लेयर लगा दूँगी। मुझे इसके ऊपर जैसो लगाने का इतना मज़ा आ रहा है, पूरी अलमारी बिल्कुल वाइट हो चुकी है बाहर से, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। आज से पहले मैंने कभी किसी चीज़ का इस तरह से मेकओवर नहीं किया है, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है। आप सब ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
अंदर बाहर कोट करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, और एक ड्रॉबैक आ गया, इसके ऊपर ना क्रैक्स आ गए, क्योंकि क्ले मैंने ऑलरेडी काफ़ी ड्राई वाली यूज़ की थी ना, इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए। तो मैंने दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर लगाई है सॉफ्ट वाली क्ले की, और इसके साइड पे ये डिज़ाइनिंग कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रीम बना रही हूँ और थोड़ी सी चॉकलेट बना रही हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह का डिज़ाइन बनाना पड़ा। मैंने कहा क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर चीज़ पे क्रैक्स आ रहे हैं, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर क्ले लगा लेती हूँ। और ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, आसानी से खुल रही है, बंद हो रही है, और कोई दरवाज़ा नहीं टूट रहा। और अब ये जो येलो क्ले लगाई है, इसके ऊपर भी मैं दोबारा से एक लेयर जैसो की लगा दूँगी। थोड़ी सी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इतनी मेहनत कर ही रही हूँ तो कोई बात नहीं, मेरी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रेडी होनी चाहिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर पेंटिंग शेंटिंग करते हुए। तो अब ना मैं काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया इसके ऊपर मैं करूँगी पिंक कलर। यहाँ मैंने ब्राइट पिंक के अंदर लेवेंडर शेड मिक्स की है, और अब इन दो कलर्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ब्लू बर्ड के एक्रेलिक कलर्स हैं, ये भी मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किए थे, अगर आपको चाहिए तो आप ब्लू बर्ड की वेबसाइट विज़िट कर लें, आपको ये कलर्स वहाँ से ईज़िली मिल जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी है अलमारी के ऊपर लगाने की। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लगा दूँ क्या? वही कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं जल्दी से ना इस पूरी अलमारी को पिंक कर देती हूँ, और ये देखने में मुझे पता नहीं क्यों इतनी टेस्टी लगने लग गई है, बिल्कुल बारबी थीम की लग रही है, लेकिन असल में इसका बारबी थीम तो है नहीं। मैं कर रही हूँ इसको कैंडी लैंड थीम का, इसके अंदर मैंने क्रीम बनाई है, और अब मैं इसको आगे जाके पेंट करूँगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्यूट लग रही है। सो फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर पिंक कलर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं। और पेंट करने के लिए ना मैंने कीप स्माइलिंग के ब्रशेस यूज़ किए हैं, ये भी आपको दराज से ईजीली मिल जाएंगे। फ्रंट पे कलर्स करने के बाद मैंने साइड्स पे भी कलर कर देने हैं, और इसकी दोनों साइड्स पे कलर अच्छे से जब हो जाएंगे तो फिर इसके बैक पे भी पेंट कर देंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ना ये देख के टेस्टी लगने लग गई है, ऐसे लग रहा है जैसे सच की क्रीम है और हम इसे खा भी सकते हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये, ऊपर से इसका कलर इतना बबल गम जैसा है। मैंने इसमें काफ़ी तेज़ कलर चूज़ कर लिया है, अब देखते हैं ये सेट होता है कि नहीं इस पर। और इसके ऊपर जो क्ले से बना के क्रीम लगाई है ना, ये अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं सोच रही थी अब मैं इस क्रीम को वनीला फ्लेवर का बनाऊँ या फिर वाइट ही रहने दूँ, तो मैंने सोचा इसको मैं वाइट ही रहने देती हूँ। अब बाहर से पेंट तो हो चुका है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है इसके ड्राई होने का, तो अब ये गीला ही है, तो अब मैं इसके अंदर अच्छे से पेंट कर लूँगी। मैं बहुत प्यार से इसके ऊपर कलर्स कर रही हूँ ताकि कोई भी कोना ना रह जाए और कहीं से भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश ना रहे। अच्छा, मुझे ये इतनी प्यारी लग रही है, मैंने इसका नाम रखा है पिंक परी। तो मैं अपनी पिंक परी को अच्छा सा मेकओवर कर रही हूँ, और मैं इसको बिल्कुल ऐसा बनाऊँगी जैसे लगेगा कोई कैंडी लैंड से कोई परी आई है। अंदर बाहर मैंने सारा इसको पिंक कलर से कवर कर दिया है। वाइट भी रहता तो अच्छा ही था, लेकिन पिंक एडिशन के साथ कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी तो फ्रेंड्स, अब दरवाज़ों के ऊपर भी मैं अंदर वाली साइड पे कलर्स कर दूँगी, और इसकी बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सी पिंक परियों वाली लुक आ जाएगी। अब इसकी बैक पर भी मैं कलर कर दूँगी। बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रही है, मुझे दिल ही खुशी हो रही है इसको कलर करके। अब मैं इसकी क्रीम के ऊपर ना वाइट कलर करूँगी, और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पिंक कलर मुझसे लग गया है वहाँ पे वाइट कलर करके इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लुक दे देंगे। अब इसके कॉर्नर्स पे मैं चॉकलेट लगा रही हूँ। अच्छा, ये ब्राउन कलर इसको बिल्कुल भी आपने इमेजिन नहीं करना, ये चॉकलेट है, और इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, कितनी यमी लग रही है ना। सिंगल कोट के बाद इस पर मैं दोबारा से डबल कोट करूँगी डार्क ब्राउन कलर का, जिससे ओरिजिनल की चॉकलेट लगेगी। अच्छा, आप सबके लिए ना इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ है, आपने वो ज़रूर देख के जाना है। साइड पे तो पेंट कर दी है, और क्यों ना क्रीम के ऊपर भी थोड़ी सी चॉकलेट गिरा दी जाए। कितनी टेस्टी लग रही है ना। और अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी ब्राउन कलर कर दूँगी, ऐसे लगेगा जैसे इसको किसी ने चॉकलेट में डिप किया है। कितनी टेस्टी लग रही है ये। अब ना मैं इसके ऊपर वेफर बनाऊँगी, और मैंने यहाँ पे ब्राउन, येलो और थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है, और बिल्कुल बिस्किट्स वाली मैंने शेड बनाई है। मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन हर कोई बात नहीं, बिस्किट की जैसी मेरी जेन में शेड थी ना, मैंने वैसा बनाने का इसको कोशिश की है। अब मैं ना दरवाज़े के अंदर वेफ़र्स बना दूँगी। पहले मैंने यहाँ पिंक ही रहने दिया था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था यहाँ पे मैं वेफ़र्स बनाऊँ, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
तो ये रेडी हो गया है और कलर ड्राई होने के बाद काफ़ी डार्क भी हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर रेड क्ले के साथ छोटी छोटी चेरीज बनाऊंगी, क्योंकि चेरीज के बगैर तो केक बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है ना। तो चेरीज लग चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है। अच्छा, मुझे ना इसका वेफर्स का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा था। मुझे लगता है लाइट कलर करना चाहिए। चलो, अब जौन सी भी शेड बन गई, होप सो इट विल बी द बेस्ट। तो मैं इसको ये लाइट स्किन कलर ही कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है पुराने वाले से। अब मैं जल्दी से ना दरवाज़ों के ऊपर सेकंड कोट कर दूँगी लाइट शेड में, जिससे इसकी लाइटर सी टोन आ जाएगी बिल्कुल वेफर्स की तरह, क्योंकि कलर पहले वाला जो मैंने किया था वो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया था। और अब मैं इसके फ्रंट के ऊपर भी ये लाइट वाला कलर कर दूँगी। और जब ये कलर अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, इसके बाद मैं एक्रेलिक मार्कर के साथ इसके ऊपर स्ट्रोक्स बना दूँगी, जिससे इसकी जो शेड है वो बिल्कुल वेफर्स की तरह आ जाएगी। अभी देखेंगे, पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखें, मैंने पिंक की भी 3-4 शेड्स बनाकर ट्राई की, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी ना, मैं वो करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये अलमारी पिंक इतनी ज़्यादा तेज़ कलर की लग रही थी, वीडियो में नहीं लग रही और थोड़ी सी गड़बड़ होगी मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं, इससे कवर कर देते हैं। ये आँखों में पड़ा था कलर, क्योंकि मैंने इसमें नियॉन पिंक कलर यूज़ किया था और ये ड्राई होने के बाद कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ना टूटी फ्रूटी कलर कर रही हूँ। और ये पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं डिफरेंस, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब ये आँखों में पड़ना बंद हो गई है, ये पहले बहुत ब्राइट हो चुकी थी। अब मैं इसके साइड्स पे भी वैसे कर दूँगी, बिल्कुल पिंक चॉकलेट लग रही है ये। एंड कोट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक मार्कर के साथ वेफर्स ड्रॉ कर दिया है, और फ्रंट के ऊपर भी इसको वेफर्स का डिज़ाइन दे देंगे। मैं जानती हूँ मैं टूटे हाथों से बना रही हूँ ये लाइंस, लेकिन अच्छी बन रही हैं, हैर है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से मैंने इसके डोर पे भी वेफर्स बना लिया। अब ये मेरे पास है एक्रेलिक ग्लोस, जो मैंने ब्लूबर्ड इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, और अब मैं इसको एक प्याली में डाल के थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ताकि इसकी जो क्लम्पीनेस है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए। बहुत ज़्यादा विस्कस होने से ना इसमें स्ट्रोक्स आ जाती हैं, तो मैं इसको पतला यूज़ करूँगी। और ये ना मेरे पास क्ले से बने हुए छोटे छोटे कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं, मैंने कलरफुल क्ले को बिल्कुल पतला पतला रोल किया था, और जब वो ड्राई हो गई तो उसकी कटिंग कर ली और रेडी हो गए मेरे क्यूट से स्प्रिंकल्स। तो अब मैं इस क्रीम के ऊपर वार्निश का कोट लगाऊंगी और इसके ऊपर आराम से मैं स्प्रिंकल्स लगा दूंगी, पर इतने ब्यूटीफुल लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बिल्कुल 3D लुक आ जाएगी। चॉकलेट के ऊपर भी, क्रीम के ऊपर भी, वेफर्स पे भी, हर जगह पे मैंने इस ग्लोस का कोट लगा देना है। और अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। तो आपको ये मेरा क्यूट सा आइडिया कैसा लगा, और यही था वो सरप्राइज़ जो वीडियो के लास्ट में था आपके लिए, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब जो फ्रंट पे क्रीम और चॉकलेट लगी हुई है, इसके ऊपर भी मैं स्प्रिंकल्स लगा दूँगी। हाय हाय, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के, कितना टेस्टी हो गया ना ये। स्प्रिंकल्स लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक और वार्निश का कोट लगा दूंगी, जिससे ये बिल्कुल परमानेंटली इसके ऊपर चिपक जाएंगे। मेरी पिंक परी कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है वाकई कोई कैंडी लैंड से हमें ये देख के चला गया। इतनी टेस्टी लग रही है, और इसकी चेरीज के अंदर कितनी ब्यूटीफुल शाइन आ गई है। पूरी अलमारी को वार्निश से कोट करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी और इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्यूट सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। बिफ़ोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा उसके बारे में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो देखना मत भूलना। इसके अंदर ना मैंने अपने वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे हैं, जिसका मैंने पेंट किया था, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये देखें कितने क्यूट लग रही है ना ये, और अलमारी तो ऐसे लग रही है पिंक चॉकलेट से बनी हुई है। इसके अंदर मैं अपनी कोई ज्वेलरी भी रख सकती हूँ, कोई छोटी छोटी और भी चीज़ें रख सकती हूँ, और इसके अंदर मैं पैसे भी रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको इतने प्यार से बनाया है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं इसमें वो रखूँगी। और ये क्यूट सी डेकोरेशन तो रेडी हो ही गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।